हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। और आज मेरा आधा दिन ना लास्ट वीडियो का एडिट करने में ही चला गया है। और दोनों कितना शोर मचा रहे हो। हाँ, और आज तो सारे कपड़े ढेर लगे हुए थे धोने थे, लेकिन मौसम हो गया चेंज, बारिश का सा मौसम हो गया, तो कपड़े धोने का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। हाँ धुले हुए हैं जो तय करने हैं अभी। अभी तय करेंगे लड्डू लड्डू। ओ मेरी ब्लैक ब्यूटी, ओ मेरी ब्लैक ब्यूटी। कपड़े नहीं है स्कूल से आके ना, ये तो अपनी ड्रेस उतार के ऐसे ही घूमेगा। मतलब इसको उतारेंगे, इसको नहीं पहनने, आके ड्रेस उतार देगा और ऐसे ही घूमेगा। तो भाई कपड़े पहन ले, नहीं मम्मी ऐसे घूमने मजा आता है। तो भाई जो पार्सल मंगवाए थे करते हैं उनके अनबॉक्सिंग। वैसे ये वाला कनम ने पहले ही ओपन कर दिया था और लड्डू भी इससे खेल रहा था। तो ये मैंने मंगवाई थी एक रोप कपड़े सुखाने वाली, जो आजकल ट्रेंडिंग हो रखी है। इसमें ना 12 क्लिप्स होती हैं ऑलरेडी लगी हुई, और इसमें दोनों साइड हुक होते हैंगे। आप इन्हें कहीं भी हैंग कर दो, मतलब दोनों साइड आगे नहीं, आपको बांधनी है कहीं कुछ करना है, और क्लिप इसमें ऑलरेडी लगी हुई है देखो। और ये दोनों साइड देखो हुक भी लगे हुए हैं, एक इधर है और ये एक इधर है। और ये इलास्टिक है, ये स्ट्रेचेबल हो जाती है इतनी मर्जी स्पेस है। एक दोनों तरफ हुक होना चाहिए, आप उसको वहाँ पर हैंग कर दो दोनों तरफ से। और इसमें ये 12 क्लिप्स हैं, ये 12 क्लिप्स हैं, ये देखो जैसे कपड़े इसमें टांग दो, और ये ऐसे करके ये अलग अलग हैं। ये 12 क्लिप्स हैं क्योंकि आजकल मौसम बारिश का हो चल रहा है। एक्चुअली चल रहा था जब मैंने ये ऑर्डर करी, लेकिन आज फिर से बारिश का मौसम हो गया, तो मैं सोचा हाँ मैंने ठीक टाइम पे मंगवा लिए। वैसे इसकी धूप तो पड़ती रहती है क्योंकि कपड़े बहुत सारे जाते हैं लड्डू की वजह से, और स्पेस कम रह जाता है। सेकेंड जो पार्सल है वो मैंने मंगवाई थी, अब मेरे लिए 2 ड्रेसेस मैंने मंगवाई हैं, तो देखते हैं। एक मैंने मंगवाया है कोट सेट, ये तो कोट सेट नहीं है। ये मैंने मंगवाई है एक जॉर्जेट की कुर्ती, ये देखो बड़ी प्यारी लग रही है। का काम हो रहा है इसमें, ये देखो पीछे से चुनौती डली हुई है इसमें ऐसे ही, और जॉर्जेट का फैब्रिक है ये। मैं थोड़ा सा धागा निकल रहा है बस, ये वो कट करना पड़ेगा ये। बाकी ओवरऑल पीस बिल्कुल ओके है, पर मुझे लग रहा है साइज बड़ा है, ये फिटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा दुपट्टा आया है, दुपट्टा से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है, इसमें कुछ भी काम नहीं है लेस वगैरह का, वो मुझे अलग से करवाना पड़ेगा। और दूसरा सेट जो मैंने मंगवाया था वो है कोट सेट। आई होप कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन, ये भी अच्छा है वैसे, वो भी अच्छा है, पसंद आ गया मुझे वो वाला भी। देखते हैं ये कैसा है। पिक्चर में ये कुछ ऐसा दिख रहा है देखो, और ये ऐसे देखो, ये रेयॉन फैब्रिक है। इसके साथ जो प्लाजो है वो भी, उसमें भी एम्ब्रॉयडरी है, अच्छा लग रहा है मुझे साइड में उसमें। ये बिल्कुल ऐसे थे जैसा पिक में है, बिल्कुल वैसे वैसा ही आया है, अच्छा लग रहा है। को वीडियो में जितना रेड कलर ब्राइट लग रहा है ना, इतना ब्राइट नहीं है, ये बहुत ही डल कलर है ये वीडियो में, और मुझे फोटो में बड़ा ही ब्राइट लग रहा था। बहुत डिफरेंट है ये कलर, मतलब रेड है लेकिन डल रेड है, तो इसलिए मुझे थोड़ा कलर में मज़ा नहीं आ रहा। बाकी ओवरऑल वर्क वगैरह कपड़ा सही है, तो मेरे 2 मन हो रहे हैं रखूँ या चेंज कर दूँ, समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ मुझे। कितना भी सेट कर लो भाई, सब फैलावा ही रहना है। ये देखो लड्डू ने क्या फैला रखा है, सारी चिमटियाँ ये दोनों भाइयों ने खेल खेल के सब फैला के गिर रखा है। ये देखो मेरे बाबूजी,
क्या कर रहे हो? क्यों फैलाए सब? नहीं इसको नहीं, उसको टच नहीं करो, हट जाओ। चलो इसे सिमेट के रखो। मैं कर रही हूँ कपड़े तैयार, पूरे बेड पे कपड़े फैले पड़े और ये दोनों खेल रहे हैं। तो हमारा घर का टिक्की खाने का मन, हम टिक्की खाने के रात के 10:15 बज रहे थे, वो हो गया हमारा पोपट, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो हम ऐसे ही वापस आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।